Hi friends, welcome back to my channel. Today I'll show you my chota sa balcony wala garden. You can see. और आज मैं इसको क्लीन करने वाली हूँ. और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, थोड़े वेजिटेबल्स भी हैं, थोड़े फ्लावर्स भी हैं. सो आई विल शो यू वन बाई वन. पे है मेरा जेट प्लांट्स. ये बहुत बड़ा, मतलब अभी तो बहुत बहुत बड़ा हो चुका है. सो मुझे थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा. और उसके बाद है ये पुई शाग. बंगाली में हम लोग इसको पुई शाग बोलते हैं, इंग्लिश में वाइन स्पिनिच, हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो. यू गाइस शुड टेल मी, पिंग मी, मैसेज मी, लाइक इसको क्या बोलते हैं हिंदी में. और ये है मेरा तुलसी का पौधा. ओहो, बारिश भी हो रही है अभी. सो हाँ, जैसे ये मिर्ची का है. हम लोगों ने ऐसी एक यू नो जो ऑयल का जो होता है ना, बड़े वाले कंटेनर आता है ऑयल का, रिफाइंड ऑयल का, उसे को काट के इस्तेमाल किया है. क्योंकि हर टाइम पॉसिबल नहीं होता है कि यू नो बहुत सारे अगर ऐसे प्लांट्स हो तो हर टाइम जाके कोई गंदा खरीद के लाओ. सो एंड इट्स वेरी ईजी टू ग्रो. एंड वैसे भी हम लोग उनको इस्तेमाल नहीं करते, फेंकने वाले, तो इट्स फाइन एक्चुअली. सेम हियर, लाइक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ पुई शाग. एंड वी यूज द लाइक कंटेनर, वो जो ऑनलाइन खाने में हम लोग मंगवाते हैं ना, दैट ऑल्सो वी एंड बहुत सारे जम जाते हैं, हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, फेंक देते. तो इट्स गुड, राइट? सो एज यू कैन सी हियर, कोरी एंड मेरा छोटे छोटे. आई हैव सम रोज़ेस ऑल्सो. वहाँ पे एक है जो तीन एक साथ एक्चुअली. हाँ, सो हम लोगों ने क्या किया, हाइब्रिड बना दिए, मतलब दो फ्लावर्स को लेके एक ही डाल में ऐसे लगा लिए. एज यू कैन सी हियर, कहाँ पे गया वो, हाँ यहाँ पे देखो, हम लोगों ने ऐसे ही कर दिए कि थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंट टाइप का कुछ मिल जाए. और ये है हमारा बिटर गॉट प्लांट्स, अभी भी पूरे सूख गए हैं. और ये पूरा बालकनी पहले ऐसे पूरा भरा था और हम लोगों ने बहुत बहुत बिटर गॉट्स खाए. ये करेला अभी तो अब तो मतलब सूख गए हैं सारे, तो इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो दूसरे जो प्लांट्स हैं ना वो ऐसे ही एक साथ में हो रहे हैं, पूरा मिस ही हो रहा है. ये थोड़ा सा डिफरेंट वाला है. सो ये है और ये हमारा ग्रो बैग, जहाँ पे बहुत सारे, अभी पता भी नहीं मुझे कौन से मतलब है याद है. आई शो यू, ये जो है ये पालक है और यहाँ पे थोड़ी बहुत मिर्ची भी है. और ये है सीम का प्लांट्स. यू कैन सी छोटा जो फ्लावर्स है, बीन्स, तीन बीन्स जो होते हैं ना वही. और यहाँ पे रहेगा छोटे से निकाले, ये बड़ा वाला हम दिखा रहे हैं. यहाँ पे भी थोड़ा सा धनिया पत्ता है. तो आई शो यू, ये रहा है सीम. ये ही जो है आज मैं इसी के मतलब बहुत हो चुके हैं यहाँ पे, बहुत सारे हैं अंदर ऐसे ही. तो उसको निकाल के इसका सब्जी बनाऊंगी आज. जो बंगाली में हम लोग दो टाइप का बनाएंगे आज, एक है शुक्तो और वन मोर इज लाइक अ मस्टर्ड के साथ एक होता है, वो वाला बनाएंगे हम. और आई विल शो यू, हाँ ये देखो टमाटर. ओह माय गॉश, इट्स रेनिंग, इट्स नाइस. सो एक ही पौधा है यू नो, और एक ही में से इतने सारे निकले हैं.
सो यहाँ पे भी देख सकते हो एंड यहाँ पे सो नीचे भी दिखाती हूँ। ये है इस यहाँ पे भी है, मतलब बहुत सारे हैं ऐसे। सो वो ये है हमारा पंपकिन का, सो पंपकिन का भी बहुत अभी भी मतलब इसी टॉप में लगाए हैं हम लोग, तो यहाँ से निकाल मतलब बहुत बड़ा हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, ये जो है दूसरी बिल्डिंग में जा रहे हैं अभी, सो नाउ वी हैव टू शिफ्ट दिस उस तार से हमारे बिल्डिंग में, सो ताकि ऊपर छत पे जा सके और ज़्यादा ग्रो हो चुके मतलब हो जाए और यू नो थोड़ा सा अच्छे से ये ग्रो हो सके। सो इट्स रेनिंग, सो अभी तो फ़िलहाल मैं इसका सब्जी बनाऊंगी और इसको देखो कितने सारे हो चुके हैं यहाँ पे, और इसको थोड़ा क्लीन भी करना है आज। सो ऑलरेडी इतने सारे थे प्लांट्स, ये सारे जो है वो बिटर गट करेले का है ही है। और ये है हमारा नींबू का, अभी तक नींबू नहीं आया इसमें, सो वी आर होपिंग कि नो सून इसमें निकल आए। एंड थोड़े से मनी प्लांट्स भी है, और ये और एक तुलसी का पत्ता है ना, इसको हम आई डोंट नो एग्जैक्टली इसका नेम, सो लेकिन ये तुलसी का ही एक मतलब दूसरे टाइप का है। सो और यस यू कैन सी हियर बहुत सारे नींबू से ही अचार ही है। सो एक्चुअली व्हाट वी डू, नींबू सारे ऐसे हम लोग ऐसे पानी में रख देते हैं और उसको लाइक एंजाइम की तरह मतलब वो जो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं एक्चुअली, ये सारे जो पानी होते हैं जो हम लोग वेजिटेबल्स फेंक देते हैं ना, एक्चुअली वो वही वेजिटेबल्स प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, फर्टिलाइज होता है। तो ये जो ग्रो बैग है यहाँ पे हम लोग टाइम टू टाइम शिफ्ट करते रहते हैं, और यहाँ पे आप लोग समझेंगे ये कचरा है, एक्चुअली नो दिस इज़ ऑल आर वेजिटेबल्स एग शेल्स भी है इसमें। सो एक्चुअली ये जो है ना ये मिट्टी के साथ मिलके फर्टिलाइज का मतलब यूज़ होता है, और पेड़ों के लिए खाने का सामान होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है पेड़ों के लिए। सो दैट्स अ थिंग वी डू। शो यू हियर, सी ये एक तो झड़ गए, सो एक साथ में तीन फ्लावर इसमें वही, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे ही हाइब्रिड वगैरह बनाया था ना, तो इस पर अचानक से पता नहीं एक साथ में ये तीन फ्लावर कैसे आ गए, इट्स लुकिंग सो गुड। या एंड दिस वन इज अ टर्मरिक वाला पेड़ है, ये हल्दी का है जो बहुत ही न्यूट्रिशंस होते हैं, ये आप लोग चाय बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो या फिर कोई भी खाना जहाँ पे फ्रेग्रेंस की ज़रूरत हो हल्दी वाले आप इस्तेमाल कर सकते हो, गुड फॉर हेल्थ आल्सो। एंड आई विल शो यू अगेन दिस करेले का पेड़, सी छोटा सा ये फिर से हो रहा है, इसको जितना भी निकालो ये अपने आप से ऐसे मतलब ग्रो हो रहा है विच इज़ नाइस। सो इसी वजह से हम लोग अभी इसको सफाई करेंगे, जो सूख गए एंड ऑल पुराने वाले जो पेड़ है उसको हम निकाल देंगे, ताकि नो नए वाले पेड़ है थोड़ा सा उसको स्पेस मिल जाए और अच्छे से खिल जाए। और एक चीज़ जो मैं बतानी चाहती हूँ कि ये जो सब्जी के प्लांट्स आप लोग देख रहे हो, सो ये जो सारे जो है ना ये जो सब्जी के पेड़ हम लोगों ने इसका कोई सीड्स बाहर से खरीद के नहीं लेके आए, इट इज़ ऑल लाइक हम लोग जो सब्जी खाते हैं ना तो उसी का जो बीज होता है, तो वही हम लोग यहाँ पे प्लांट्स में यहाँ पे ग्रो बैग पे छोटे छोटे ऐसे यू नो टब में लगा देते हैं। सो उसके बाद थोड़ा सा टेक केयर करते हैं, थोड़ा सा पानी वानी एंड ऑल फर्टिलाइजर, सो उसके बाद रिजल्ट सबके सामने है। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि एवरी टाइम यू हैव टू परचेज द सीड्स फ्रॉम आउटसाइड,
व्हाटएवर यू हैव इन एट योर होम, लाइक टमाटर, ये जो टमाटर के हैं, सीम के हैं, ये सारे हम लोगों ने वो जो सब्जी खाए थे ना, उसी का ही जो उसमें जो बीज होता है ना, उसी को ही हम लोगों ने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया है. एंड ये जो सारे एवरीथिंग एक्चुअली, नॉट इवन वन सिंगल सब्जी का पेड़ हम लोग जो सीड्स है वो बाहर से निकाल मतलब लेके आए. सो इट इज़ ऑल लाइक अवेलेबल इन योर होम. सो ये मत सोचिए कि यू नो अगेन यू हैव टू गो आउटसाइड एंड हैव टू परचेज द सीड्स एंड देन वी हैव टू कैन हैव दिस काइंड ऑफ प्लांट्स एट होम. नॉट एट ऑल. आप लोग जो भी खाते हो सब्जी में टमाटर को, उसका जो मतलब वो टमाटर का सीड्स निकाल के आप ऐसे ही मतलब ऐसी थोड़ा सा मिट्टी के ऊपर के लेयर में डाल दो और थोड़ा सा मिट्टी ऊपर से मतलब ऊपर ऊपर ऐसे ही दे दो, तो यू कैन सी द रिजल्ट्स हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. सो जस्ट डू सम एक्सपेरिमेंट सो यू विल गेट टू नो बाई योर सेल्फ. लाइक किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप ये सारे जो है ना हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था कि होता है कि नहीं, चलो देखते होता है कि नहीं है ना, एंड सी द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. सो वी आर क्वाइट हैप्पी विद द रिजल्ट. एंड ये सिर्फ मैं नहीं टेक केयर करती, मेरा पूरा फैमिली, मेरा हस्बैंड, मेरा मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, दे ऑल टुगेदर, एक्चुअली वी ऑल टुगेदर वी आर टेकिंग केयर ऑफ दिस स्मॉल आवर गार्डन एंड वी आर वेरी हैप्पी. ये इट इज़ लाइक वन ऑफ द हैप्पीएस्ट प्लेस एट आवर होम. लाइक बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जब देखते हो कि यू नो जो प्यार से आप लोगों ने ऐसे ही लगाए थे वो ग्रो हो चुके हैं और फ्लावर्स एंड सब्जी दे रहे हैं और इट इज़ लाइक अ घर का सब्जी जो भी हो, थोड़ा भी हो, लेकिन अच्छा लगता है. इट्स नाइस, फील नाइस एक्चुअली. सो ट्राई एट होम दिस सेम थिंग एंड यू विल फील गुड. एक जो पेड़ है ना उसमें बहुत 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 खुशी मिलती है. आज मैं कुछ ये जो है बहुत बड़ा हो चुका है तो आज मैं इसका सब्जी बनाने वाली हूँ अपने कॉलेज टाइम में. सो गाइस दिस इज इट. सो ये आज हम लोग बनाएंगे, बंगाली में बोलते हैं शुक्तो उसको. एंड और एक है और रेसिपी मस्टर्ड सीड्स के साथ, मस्टर्ड पेस्ट के साथ एक्चुअली. सो वो भी बनाएंगे. सो इफ़ यू गाइस वांट टू हैव द सेम रेसिपी एंड यू वांट टू नो अबाउट द रेसिपीज, प्लीज़ डीएम मी सो आई कैन गेट बैक टू यू विद द रेसिपी. एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन फॉर आवर दिस न्यू चैनल आई विल टोल्ड यू. And for gardening tips or anything, please let me know. Do message me. So this is me, Kathakali, signing off. See you next time. Bye.